अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन मायोनीज सैंडविच, जो कैप्सिकम के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बच्चों को लंच में आप लोग दे सकते हैं, जल्दी चाय के टाइम खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसे देखने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। इस पे हम लोगों ने चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है। इसको हम लोगों ने 2 to 3 minutes बस फ्राई करना है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही मजे के हैं। ये मैंने चिकन बॉईल लिया था, बॉईल चिकन को अब मैं फ्राई कर रही हूँ 2 to 3 minutes। अभी 2 मिनट हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसमें हम लोगों ने 1 tablespoon हम लोगों ने ऑयल का ऐड किया है, और इसमें हम लोगों ने शिमला मिर्च मैंने ये ली है 1 कटी, इसको मैंने ऐसे कर लिया है, स्लाइस में कट कर लिया है, और इसको भी मैं सिर्फ 1 मिनट फ्राई करूँगी। अभी ये कैप्सिकम हो गया है, शिमला मिर्च हो गई, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अभी 5 मिनट्स मैंने इसको रेस्ट दे दिया था, चिकन और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई की थी। अब यहाँ पे मैं 1 teaspoon में ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अगर आपको काली मिर्च अच्छी ज़्यादा लगती है तो आप 2 teaspoon भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ 1 teaspoon। ये मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ ली है, ये मैंने डाली है 2 tablespoon। इससे बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने लिए है 1/2 cup मेयोनीज। इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप लोग। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम लोग इसको स्लाइस में लगाएंगे ब्रेड पे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बच्चों को लंच में देते हैं, बहुत ही इजी से बन जाते हैं। इसी तरह मैं बाकी भी स्लाइसेस में ये चिकन लगा दूंगी। तो अब हम लोगों ने ये कट करके स्लाइस में मैंने इस तरह रख दिए हैं, तो बहुत ही जल्दी से बन गए हैं ये सैंडविचेस। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल में नहीं है वो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अब मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।